हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आप सबको जैसा कि पता है, मैं गया था पासपोर्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था। तो उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था थाना वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अभी मुझे जाना है पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले कॉल किए थे, मैंने सोचा कौन सा जुर्म कर दिया, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप आइए, आपका जो है पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करना है। तो उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के मुझे बुलाया है थाना। तो अभी हम निकल रहे हैं थाने। तो दोस्तों, मुझे अभी थाना बुलाया गया है सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज़ और कुछ कुछ और भी है जो मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या लगता है। तो अभी मैं जा रहा हूं थाना, निकल रहा हूं घर से। यहां पर मेरे साथ जाएगा सीनू, जो कि अपना बाइक लगा के रखा है। उधर है मेरा अपाची और इधर दो भाई भी मिलने आए थे। कहाँ? बिहार से ना? जी, बिहार से आए हुए थे। इन लोगों से भी मिल लिया, इन लोगों कुछ प्रॉब्लम था। और भी सुबह से लगभग 4-5 लोग और आए थे जो कि मिल के चले गए हैं। और इधर है एक सीनू का फ्रेंड और उधर मेरे साथ जाएगा अजय। रीज़न ये है कि वहाँ पे दो गारंटर चाहिए, ठीक है, जो साइन करेगा, जो बोलेगा कि मुझे पहचानता है, ये हमको पहचानता है क्योंकि मेरा बगल घर का है, उस वाला घर कितना साल से जानता है, पूछेगा अभी पुलिस वाला कितना साल से जानता तू हमको मैं सामने ही बड़ा हुआ है क्या तो कल एक गारंटर लेके गया था मैं, ठीक है, कल भी गया था और आज सेकेंड डे जा रहा हूँ, क्योंकि दो गारंटर का जरूरत था। तो एक लेके गया हुआ था, वो काम हो गया। अभी एक और लेके जा रहा हूँ अजय को, ये जाके साइन कर देगा, अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स दे देगा, सारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, वीडियो पे बने रहें, मजा आएगा। थाना चलते हैं, थाना दिखाते हैं क्या होता नहीं होता है। और वीडियो चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं थाना, जो कि मेरा यहाँ का थाना पड़ता है बलियापुर, जगह का नाम ये रहा, ये है बलियापुर थाना। तो थाना पहुंच चुके हैं, इधर सब कोई आ गए हैं। और डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों यहाँ पर लग रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो फोटो और जो खतियान बोलते हैं, जो कि ज़मीन का पेपर होता है, वो देना होगा। या फिर अगर आपका आवासीय बना हुआ है अस्थाई, तो ये वो चल जाएगा। तो अभी मैं सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया हूँ, देखते हैं अब अंदर जाकर के क्या प्रोसेस होता है। चलिए चलते हैं थाने के अंदर। ये है हमारा बलियापुर थाना। थाना देखने में थोड़ा डरावना लगता नहीं है सीन? डेंजर, थोड़ा भूतिया टाइप का लगता ही है कि यहाँ पर आने से ही मतलब कि खाली मारे हो गए घूमेगा। चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है बलियापुर थाना, कैसा टूटल फूटल दिख रहा है। दूसरा थाना इतना हाईलाइट मतलब लाइट मारता है, चक 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 चक, एकदम पुट्टी पेरिस। हाँ, लेकिन ये बलियापुर थाना का सीन देखिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए पुलिस लोग बैठा हुआ है तो मेरा जिसमें काम होगा, जो हमें बुलाया था, नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो अभी है नहीं, ठीक है, बुला के कॉल करके कि आ रहे हैं, वेट कीजिए, देखते हैं कब तक आता है। लेकिन थाना का सीन देखिए आप लोग, थोड़ा सिचुएशन गंभीर है। उधर देखिए लत उत निकल गया पूरा और इतना इतना गाड़ी सड़ जाता था ना, मैं देख रहा है कि बाइक सब हम लोग एक दो दे देगा तो चलाएंगे ना नया स्कूटी, स्कूटी देखा नया है, एकदम नया है स्कूटी देखिए। लेकिन ये चोरी वोरी में पकड़ाता है ना। तो दोस्तों, जो भी विदाउट पेपर या फिर चोरी वोरी का बाइक को एक पकड़ाता है तो वो थाना में ही रह जाता है, थाना में रह कर सड़ जाता है। ये देखिए कितना सारा बाइक, ये स्कूटी एकदम नया दिख रहा है। और उधर देखिए, उधर भी है R15 भी है, एक कोयला का गाड़ी भी पकड़ाया चोरी का। तो इतना सारा चीज एकदम, अरे जंगल में तो पूरा खाली गाड़ी ही गाड़ी है उस साइड में, जंगल कम गाड़ी समझ के देखिए, इतना इतना बाइक सड़ जाता है। हम लोग एक दो को दे देगा तो आराम से चलाएंगे ना, फिर बन बना के जाएंगे एकदम जिधर जाए। सीनू बोल रहा है स्कूटी तो देगा, 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसमें तो मतलब कि पेपर पर बना हुआ होगा, चोरी वोरी का ही हो सकता है, मैक्सिमम यही होता है सीन। देखते हैं अब हमारा पुलिस वाला कब आता है, काम होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है वेट कर रहे हैं पुलिस साहब का आने का, अभी तक आए नहीं है। उससे पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो अभी हम लोग आए हैं लिट्टी चोखा खाने के लिए। देखिए स्पेशल लिट्टी चोखा, सीनू खाने के लिए रेडी। ये देखिए कैसे बन रहा है, बहुत दिनों बाद लिट्टी चोखा खाएंगे, जो कि बिहार का फेमस डिश है, लेकिन हम लोग रहते हैं झारखंड में, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप लोग खाएं एक नहीं, कमेंट करके बताना लिट्टी चोखा क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया रहता है, भगवान का बनावट तो हम लोग कैसे खराब बोल सकते किसी को, हर कोई अनमोल है अपने नजर में। सो गाइस, सारा काम हो चुका है कंप्लीट, लेकिन कितना टाइम लगा सीनू बताते अप्रोक्स? 3 से 3.5 घंटा। 3 से 3.5 घंटा टाइम लगा। रीजन ये है कि एक बार फिर घर जाना पड़ा था रिटर्न,
क्योंकि थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट छूट गया था घर पे। फिर आए, फिर सीनू के साथ लेके आए, वो लोग घर भेज दिए और फाइनली सारा काम हो गया, सारा डॉक्यूमेंट्स मिल गया। अब चलते हैं, पासपोर्ट बन के कब आता है देखते हैं। पासपोर्ट बनने के बाद फिर वीज़ा बनाना है, आगे का बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कब आता है, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। थाना में भी काफ़ी भीड़ लग चुका है, अभी देख रहे हैं बहुत सारा केस लेके आया है ना, झगड़ा झंझट, किसी का घर में मार पीट, थाना मतलब केस ना। तो चलिए अभी थाना से निकलते हैं घर की ओर, लेट्स गो। सो गाइज, मैं अभी आ गया हूँ अपने रूम पर सारा काम कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पर रूम पर आने के बाद मैंने खाना वाना खा के फ्रेश होके वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। वीडियो शूट किया, सीनू था, एडिट किया, अपलोड कर दिया। अभी मेरे रूम पर है कार्तिक, उधर विशाल, उधर गणेश। और अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला वीडियो अपलोड किया है, बिग यूट्यूब न्यू अपडेट 2021, जो कि 6 मिनट में 4.4K व्यूज आ रखा है। रिफ्रेश मारने से और बढ़ जाएगा, देखते हैं एक बार रिफ्रेश मार के। ये मैंने दिया रिफ्रेश, आप देखते हैं 8 मिनट में 6K भाई, 2000 और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर हो गए हैं 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स टेक वाले चैनल पर। सो गाइस, आप सबको थैंक यू सो मच, इसी तरह का सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस ब्लॉग वाले चैनल पर 500K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, जो कि हम लोग बहुत नजदीक है। तो अभी तक अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, पैसा थोड़ी लगता है, फिर नेक्स्ट वीडियो तब मिलेगा क्या भी सर। बाकी आपका फैमिली तगड़ा है, जरूर से सपोर्ट कर देगा। यही फरवरी के अंदर में भाई का 5 लाख होने वाला है टारगेट, और तो जाइए दौड़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलता रहेगा रेगुलरली, और बड़े बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, कमिंग सून, वेट कीजिए। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास क्या आ गया है, इतना बड़ा सा एक बॉक्स। तो ये है दोस्तों एक टीवी जो कि है 55 इंच का, और ये पहला सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो कि कंपनी ने मुझे भेजा है रिव्यू के लिए मेरे मेन चैनल टेक चैनल पर। तो मेरे रूम पे देखिए ये लोग टीवी देखने आ गया है, बोल रही है कि खोल के दिखाइए, बट मैं अभी खोल नहीं सकता क्योंकि इसका वीडियो बनाना है, अनबॉक्सिंग करते हुए खोलना पड़ेगा, जो कि टेक चैनल पर आएगा। अगर आप लोग नहीं पता कि मेरा एक टेक चैनल भी है जिसपे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स इस चैनल का है जिन्हें नहीं पता, तो आप लोग मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सर्च कीजिए यूट्यूब पे मनोज दे आ जाएगा। तो उस वाले चैनल पर ये वीडियो का टीवी का जो है टीवी का ये वीडियो आ जाएगा, क्योंकि 55 इंच का काफ़ी बड़ा टीवी है। तो गाइज, ये पहला ऐसा जो है बड़ा प्रोडक्ट है जो कि मुझे कोई कंपनी ने भेजा है, देखना है टीवी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा है। तो ये जो है सिनेमा हॉल बन जाएगा मेरा घर, ठीक है, लगा देंगे इसको कहीं पे, हम लोग बहुत आएंगे देखने टीवी। सो गाइज, आज का ये ब्लॉग इतना ही था, ये वाला टीवी का अनबॉक्सिंग जल्द आ जाएगा टेक चैनल पर। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग आज की पसंद आई, अगर पसंद प्लीज इस वीडियो ब्लॉग को लाइक कर देना, ज्यादा इस पर बोलने के चक्कर में क्या क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।